बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम रुबाब फ्रॉम गौहर पब्लिशर। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम गौहर ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 सिटीजनशिप, कम टू द पेज नंबर 5। शहरियत, सिटीजनशिप। लफ्ज़ शहरियत लातीनी लफ्ज़ शहर से निकला है। शहरियत का ख्याल सबसे पहले कदीम यूनान में शहरी रियासत सिटी स्टेट में नमूदार हुआ। अब सूबों, शहरों, कस्बों वगैरह से मिलकर एक मुल्क बनता है, जैसे कि 4 सूबों से मिलकर पाकिस्तान बना। आज की जदीद दुनिया में शहरियत सिटीजनशिप का मतलब है किसी मुल्क की कानूनी हैसियत, लीगल स्टेटस। किसी मुल्क की शहरियत में उस मुल्क के समाजी हुकूक और फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ, सिविक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शामिल होते हैं और आपको इस मुल्क के कवानीन पर अमल करना होता है। तो बच्चों, कुछ समझ में आया आपको इस रीडिंग से? सबसे पहले तो हमने ये जाना कि लफ्ज़ शहर कहाँ से बना है। लफ्ज़ शहर एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका ख्याल सबसे पहले कदीम यूनान के शहरी रियासत में नमूदार हुआ। जिस तरह से कस्बे, सूबे, ज़िले मिलकर एक मुल्क बनाते हैं, जैसे हमारा मुल्क 4 सूबों पर मुश्तमिल है, इसी तरह से दुनिया में सारे मुल्क कस्बों, शहरों से मिलकर बने हैं। तो शहरियत क्या है? जो इंसान जिस मुल्क में रहता है वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है। एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसे किसी मुल्क या रियासत का फ़र्द तसव्वुर किया जाता है वो उसका शहरी कहलाता है। कदीम ज़माने में लोग अपने मुल्क के बजाय अपने शहर से पहचाने जाते थे। मशहूर शायर दाग दहलवी, इसमें दहलवी का मतलब है दहली में पैदा हुए या दहली में रहने वाले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक शहरी के समाजी हुकूक, सिविक राइट्स ऑफ द सिटीज़न। किसी भी मुल्क की शहरियत में शहरियों को कुछ बुनियादी समाजी हुकूक, बेसिक सिविक राइट्स हासिल होते हैं, जैसा कि एक शहरी इखलाकी हुदूद, मोरल लिमिट्स में रहते हुए अपने ख्यालात का इजहार करने में आज़ाद होता है। एक शहरी को फौरी इंसाफ, क्विक जस्टिस का हक हासिल होता है। एक शहरी जिसे चाहे अपने वोट देने का हक, राइट ऑफ कास्ट द वोट रखता है। एक शहरी को अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी के साथ इबादत करने का हक हासिल होता है। एक शहरी को तालीम हासिल करने और मुलाजमत के मौके से फ़ायदे उठाने का हक हासिल होता है। हर शहरी का हक है कि उसे साफ पानी और साफ माहौल मिले। एक शहरी का हक होता है कि वो अपने मुल्क में महफूज हो। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये क्या थे एक शहरी के हकूक, कि उसे साफ पानी, साफ माहौल, साफ फिज़ा मुयसर हो। और इसके अलावा सबसे बेसिक ज़रूरियात जो एक शहरी को मिलती हैं हकूमत की तरफ से, वो हैं खुराक, लिबास और रिहाइश। ये सबसे बेसिक ज़रूरियात हैं जो एक शहरी को मैसर होती हैं। इसके अलावा जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ये एक शहरी के समाजी हकूक होते हैं। तो बच्चों, इसमें एक शहरी के समाजी हकूक में ख़ास पॉइंट हमारे पास क्या थे कि एक शहरी की अखलाकी हदूद में रहते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर सके, यानी कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो अपने ख्यालात का आज़ादी से इस्तेमाल कर सके या हक हासिल है उसे। हर शहरी की फौरी उसे इंसाफ मैसर हो, यानी कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो उसे फौरी इंसाफ मैसर हो। एक शहरी जिसे चाहे वोट दे सकता है, यानी कि उसके साथ इसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ठीक है, उसे यह हक हासिल है कि वो जिसे चाहे मुंतखब कर सकता है। उसे तालीम का हक हासिल है कि वो एक अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, और ये हकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो बच्चों, अभी हमने एक समाजी शहरी के हकूक जाने कि हकूक क्या होते हैं। अब हम चलते हैं ज़िम्मेदारियों की तरफ। सिर्फ हकूक तो नहीं ना होते, हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करनी होती हैं। तो चले आए, पढ़ते हैं हकूक और ज़िम्मेदारियाँ। एक शहरी की समाजी फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न। एक अच्छे शहरी को अपने जैसे दूसरे शहरियों और अपने हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसे दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ समाजी फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ बयान किए गए हैं जो एक शहरी को लाजमन अदा करने होते हैं। तो बच्चों, आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर कुछ लोग
वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग बिलों की अदायगी कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं जिम्मेदारियाँ। एक शहरी का फ़र्ज़ जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के कवानीन पर अमल करे। ठीक है, कवानीन सबके लिए एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कवानीन जो है वो गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग हों। ठीक है, कवानीन सबके लिए यकसा हैं और सबको इनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। एक शहरी का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे शहरियों की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखे। तो बच्चों, जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे लो फैमिली के भी होते हैं, तो हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह से करना चाहिए और उसे अपनी जमात की सरगर्मियों में उसी तरह से हिस्सा देना चाहिए जिस तरह से हम दूसरे बच्चों के साथ पेश आते हैं। ये डिफरेंस नहीं रखना चाहिए कि ये गरीब है और ये अमीर है, ये बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, एक शहरी का फ़र्ज़ है कि वो यूटिलिटी बिल्स, बिजली, पानी, गैस वगैरह के बिल और टैक्स पूरी ईमानदारी के साथ वक्त पर अदा करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बिल्स तो अदा कर देते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। तो अगर एक इंसान के ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो टैक्स अदा कर सकता है तो उसे ईमानदारी के साथ अपने टैक्स की अदायगी करनी चाहिए। एक शहरी का फ़र्ज़ है कि अगर अदलिया, कोर्ट, थाना, पुलिस स्टेशन या बैंक से उसे बुलाया जाए तो वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि कोर्ट में गवाही के लिए या पुलिस स्टेशन में कोई तनाज़ा हमारे मोहल्ले में या फैमिली में हो जाता है जिसकी वजह से हमें पेशी देनी पड़ती है। तो ये भी हमारा बच्चों एक फ़र्ज़ है, एक अवलीन फ़र्ज़ है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कोर्ट और पुलिस स्टेशन वालों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एक शहरी का फ़र्ज़ है कि वो सियासी इंतखाबात के अमल में हिस्सा लें और वोट का इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात जब इलेक्शन आते हैं तो लोग इलेक्शन के दिन छुट्टी का दिन मनाकर घर में बैठ जाते हैं और वोट नहीं देते, तो ये एक बहुत गलत बात है। हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में आने वाले सियासतदान हमारा इंतखाब हों और वो अच्छे से काम कर सकें और कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। एक शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के साथ किए गए वादों पर कायम रहें, यानी अपने मुल्क का वफ़ादार रहे। तो बच्चों, जब हम पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो कोई ना कोई प्रोफेशन अपनाते हैं, तो हमें ये खुद से वादा करना होता है, अपने आप से ये वादा होता है कि हम अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहेंगे और किसी और को भी कोई गलत काम नहीं करने देंगे और ना ही खुद कोई गलत काम करेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और हकूक़ क्या हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।